बिहार विधानसभा में और आप देख सकते हैं कि वाम दलों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ कई तरह की मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर सीबीआई और ईडी के ऊपर भी कटाक्ष किए गए हैं, जबकि फेक वीडियो मामले में एक यूट्यूबर मनीष कश्यप का भी जिक्र है। बड़ी बात यह है कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मांगे हैं लेफ्ट पार्टीज की। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर क्या है मामला। ये नेता प्रतिपक्ष ने बिहार विधानसभा का इस्तेमाल अफवाह फैलाने के लिए किया, मैं समझता हूँ ये बात साबित हो गया। और नेता प्रतिपक्ष को बिहार की जनता से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये क्लियर हो गया कि यहाँ जो है पटना में उस वीडियो को बनाया गया मनीष कश्यप ने, मैंने मेडिकल स्टोर से जो बैंडेज का सामान, रंग, ये सब चीज खरीदा और फर्जी वीडियो तैयार करके कहिए कि ये मैंने तमिलनाडु और बिहार की जनता के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की गई। ये नफरत और हिंसा के अलावा और कुछ इनको सुझाई नहीं देता। महंगाई पर इनको नहीं बोलना है, ये बेरोजगारी पर नहीं बोलना है, किसानों की दुर्दशा पर नहीं बोलना है, खाली इनको माने क्षेत्रीय माने दलों का इस्तेमाल करके क्षेत्रीय दलों के खिलाफ में ये नफरत पैदा करके ये बिहार की राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ये विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं, ये बात साबित हो गई। और ये भागा भागा फिर रहा मनीष कश्यप मुंह छुपा करके चोर की तरह। अगर ये सही आदमी है तो आवे और आ करके अपनी गिरफ्तारी दे, अपनी सफाई दे कि उसने गुनाह किया है कि नहीं किया है। और दूसरी बात, क्या जो विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, कहीं भी विपक्ष नहीं रहा, विपक्षी एकता नहीं हो 2024 के मद्देनजर, इसलिए विपक्षी दलों के घरों में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स घुसा करके ये लोग कहा जाए कि तहलका मचाए हुए हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए कहा जाए कि घाटा का ये सौदा है और संघीय ढांचे पर ये प्रहार है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद किया जाए। और बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि जो आपने घोषणा की थी 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली कीजिए जल्द से जल्द, जितने खाली पद हैं सब पर जल्द से जल्द बहाली कीजिए। ये थे लेफ्ट पार्टी के विधायक जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा का इस्तेमाल अफवाह फैलाने के लिए किया। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो बंद होना चाहिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आदित्य वैभव, पटना।